बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर करते हैं थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री सेज 85% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ऑफ 300 स्टूडेंट्स पास्ड एन एनुअल एग्जामिनेशन। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 300। उसमें से जो पास हैं वो कितने हैं? 85% ऑफ द स्टूडेंट्स, 85% ऑफ स्टूडेंट्स। फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी ऑफ देम आर फेल, फेल कितने हुए? पहले हमें फाइंड करना है कितने स्टूडेंट्स पास हुए। तो क्या करेंगे, 85% को लिखेंगे 85/100, आप की जगह पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स कितने हैं 300, लिखेंगे 300। अब सिंप्लीफाई करेंगे, दो जीरो से कट जाएंगे, 3 5 15, 255। जो 255 स्टूडेंट्स हैं वो पास हो गए, ठीक है। अब फेल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल 300 थे, 255 माइनस कर दें तो 45 स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए। तो ये हमें फाइंड करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर सेज द 60% लेंथ ऑफ अ रोड इज 75 किलोमीटर। एक रोड है उसकी लेंथ का हमें नहीं पता, लिख देते हैं एक्स, ठीक है। हमें ये पता है कि 60% ऑफ रोड लेंथ इज इक्वल टू 75 किलोमीटर। हमें ये नहीं पता रोड कितने किलोमीटर है, हमें क्या दिया जो एक्स किलोमीटर है। अब क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 60% ऑफ रोड इज इक्वल टू 75 किलोमीटर। तो हमने फाइंड करना है टोटल लेंथ, इसको हमने जो ना चेंज करना है। 60% का मतलब होता है 60/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 60% ऑफ रोड, रोड कितने है एक्स इज इक्वल टू 75। अब हमने एक्स फाइंड करना है, ये सारा फालतू है, इसको उस साइड पे लेके जाना है। तो क्या करेंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 60, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 60 वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक्स के साथ ये डिवाइड हो रहा है 100, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 से गया, 2 3 0 2 5 0, 25 × 5 125 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है रोड की, 125 किलोमीटर, ये इसकी लेंथ है।